ला पर रहते हैं हम लोग के रहने का सहने का जगह जमीन नहीं है एक नया नहीं मदद मिल आज तक नहीं मिलना है और राशन कार्ड है तो भी एक महीना मिलता है कभी नहीं हो मिलता है नमस्कार मैं अभिषेक आप देख रहे हैं दब पंचायत आज हम पहुंच गए हैं हज भवन के पीछे वाली बस्ती में सहगड्डी मस्जिद बस्ती इसको कहा जाता है कुछ लोग हैं यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये जुग्गी झोपड़ी है कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद इन लोगों को मिली कैसे कैसे रहते हैं ये लोग क्या कुछ करते हैं सब कुछ बात करेंगे पहले एक चाचा है उनसे बात करेंगे चचा अपना नाम बताइएगा नाम बताइए उनको से बोलवाइए ना आप अपना नाम बताइए ना गेना साहब क्या करते हैं वही लेबर मजदूर काम करते हैं आओ क्या घर कैसे चलता है वही कमाते हैं तो चलता है नहीं तो ऐसा ही मतलब कि हम लोग के कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं नाला पर रहते हैं हम लोग के रहने का सहने का जगह जमीन नहीं है तब तो यहाँ हम लोग अगोरिया दिए हुए हैं हाँ इतनों दिनों से रह रहे हैं कम से कम तो 40-50 साल से लोग रह रहे हैं ये बताइएगा कि सरकार के तरफ से आपको मदद मिली कि नहीं मिली अभी तक तो कुछ नहीं मिली हम लोग के 50 साल से रह रहे अभी तक कोई मदद पचास साल से हम लोग हैं ऐसे और मतलब 70 साल 75 साल से लोग हैं इसलिए कि चिड़ियाखाना जैसे समय बन रहा था उसी समय से डेढ़ रुपया मजदूरी मिलता था चिड़ियाखाना में वो लोग के काम करते थे उस समय से वो लोग हैं बाद में हम लोग आए अभी तक हम लोग के कोई सुविधा नहीं मिला कोई लाभ नहीं मिला अच्छा यहाँ शौचालय ये सब का भी व्यवस्था सरकार ने किया आप लोगों के लिए सरकार व्यवस्था नहीं किए हैं शौचालय भी नहीं किए हैं कुछ भी नहीं किए हैं वो मतलब कि जो है वार्ड काउंसलर जो होते हैं वो दो चार गो उन शौचालय बना दिए हैं और बाकी हम लोग नाला पर बना करके शौचालय बना रहे हैं हाँ, हाँ, हाँ खुले में हम लोग स्वस्थ करते हैं क्या करें कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग के पास रहते कहाँ हैं ये झोपड़ी में हाँ यही झोपड़ी में रहते हैं झुंगी झोपड़ी में रहते हैं देख सकते हैं जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि गरीब गरीबों के लिए हमने घर बनाया झोपड़ी में ये लोग रहते हैं शौचालय की जो बात करते हैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं वो भी दावा फेल दिख रहा है इनका कहना है कि कुछ ही लोगों को जो यहाँ के वार्ड काउंसलर है उन्होंने ही शौचालय बना के दिया है और सब घर वाले जो होते हैं रहते हैं वो खुले में स्वच्छ करते हैं कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे पहले आपको हम तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से ये हज भवन के पीछे वाली बस्ती और हज भवन के जस्ट पीछे देख सकते हैं किस तरीके से ये शौचालय देख सकते हैं पर्दे से घेर दिया गया है एक और व्यक्ति हैं उनसे भी हम बात करेंगे इस बस्ती में अपना चाचा नाम बताइएगा उमेश तांती क्या करते हैं क्या मजदूरी करते हैं सरकार के तरफ से मदद मिलती है कुछ नहीं मदद मिलता है कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं मदद मिलता कर लेते हैं। है कभी कभी खाते हैं क्या करें वो महीना में कामो नहीं मिलता पंद्रह दिन काम मिलता थ, दिन ले रहते है तीन महीना में पंद्रह दिन काम किए हैं इधर उधर ऐचा पैचा लेके खा लेते हैं क्या करे भूख ले थ, रहे हैं कोई, सरकार तरफ कोई मदद नहीं हम और राशन कार्ड है तो वो भी एक महीना मिलता है तो कभी नहीं हो मिलता है वो अभी देता है तो पाँच किलो काट ही लेता तो है शौचालय उधर है हम लोग अपने बनले है वही महामारी के ले है सब ताला अलग अलग मारले है जो ताला मारले है, तो है। तक देखिए ना वहाँ जाके नजर में देखिए न है बस जो बढ़िया है वो अपना लेटरिंग कर रहा कमजोर का अपना घूम रहा किस तरीके से इनका कहना है कि सरकार की तरफ से इनको कोई मदद नहीं मिलती है मेहनत मजदूरी करके ये अपना घर चलाते, चलाते हैं रिक्शा चलाते हैं शौचालय जो है सब लोगों के लिए नहीं बना है कुछ जो सरकार ने बनाया है उसको लोगों ने हथियार लिया है कुछ लोगों का कहना ये भी है कि शौचालय अपने पैसे से बनवाए हैं अपना नाम बताइएगा भैया रोशन कुमार क्या करते हैं यहाँ मजदूरी करते हैं मजदूरी करते हैं, हैं। मजदूरी करके घर चलाते हैं तो बिहार सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है क्या मिलती है नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे सरकार के तरफ से मदद मिलती कुछ नहीं कुछ नहीं बाबू झोपड़ी रोज उखा रोज उखा रहा रोज बी कोई योजना का फायदा नहीं मिलता सरकार कुछ, का। नहीं, कुछ नहीं नल जल योजना या फिर बस यही वो मिला है संतुष्टि है इधर पर खाना मिला है सरकार। तो झोपड़ी तो का जो पानी है यहीं से जाता है ना तो एक जगह और लगल है एक जगह है तीन जगह तीन जगह है तीन जगह है शौचालय तीन जगह है होम टू होम नहीं लगा मतलब घर 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 में नहीं लगा हुआ सबके ना यहाँ पे आके लेके जाना अब यहाँ से आइए नहाइए पिचिए सारा कुछ कीजिए घर में जाके पकाइए खाइए सब काम कीजिए राशन मिलता है सरकार के राशन कंट्रोल मिलता है मिलता है हाँ, हाँ। कंट्रोल सरकारी मिल रहा है तो आप देख सकते हैं इनका साफ-साफ कहना है कि राशन मिलता है ये 250 घर है इस बस्ती में मतलब 250 झोपड़ियां है हां बस तीन जगह ही टंकी लगा हुआ है उसी से ही लोग पानी लेते हैं और कपड़ा धोना हो या फिर कुछ और भी काम हो तो पानी यहीं से लोगों को ले जाना पड़ता है और भी तमाम खबरों के लिए बने रहता द पंचायत के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पेज को लाइक करें धन्यवाद